देशवासियों, ये मैसेज खास आपके लिए है। 29 सितंबर को हमारे 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक किए हुए। देश के सामने ये सरकार इसको उजागर कर रही है, आप सबके बीच में इसको ला रही है, बतला रही है कि हमारी आर्मी की क्षमता क्या है और हम क्या पा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरा दिल खुश हुआ। पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड पैन इंडिया। इसके लिए उन्होंने स्काउट्स, दे स्टूडेंट्स, एनसीसी बॉयज सबका इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा है। और इस तरह से ये माहौल बन जाएगा, पूरे देश को पता पड़ जाएगा कि आर्मी की क्षमता कितनी है, ये आपकी आर्मी है। दूसरी बात, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में पैदा होता है, वो ये है कि जब हमने दूसरे देश में घुसकर बहुत बड़ा पैमाने पे, उसको सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं बोल सकते, बहुत पैमाने पे जाकर अटैक किया और सक्षम हुए, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ 1971 के, 1971, हमने बहुत बड़ी कामयाबी पाई और उसमें 90,000 बंदी बनाए। आसान काम नहीं है 90,000 बंदी बनाना किसी दुश्मन के देश में जाकर घुसकर, वो हमने किया। हमने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सामने उसको अपने घुटनों पे लाकर खड़ा किया। जी हाँ, इतनी बड़ी कामयाबी, जबकि हमारा सब देशवासियों का सीना जो हमने 56 इंच का कर दिया और उनका जो मस्तिष्क है आसमान को छूने लगा। सवाल जो मेरे दिल में पैदा होता है, हम सर्जिकल स्ट्राइक को सेलिब्रेट कर सकते हैं, पर हम 16 दिसंबर जो विजय दिवस है, हम उसमें विजयी हुए, यानी कि देश विजयी हुआ, क्योंकि सेना आपकी है। जो भी काम देश सेना में होता है वो आपके लिए किया जाता है, आपकी मोहब्बत के लिए। हम उसमें सक्षम उतरे और आप, कहने का मतलब है कि देश सक्षम हुआ, पर उसको हम सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? 16 दिसंबर को हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? मैंने इस बात को मोदी जी के कान में पर्सनली डाला था 2014 में, उनको याद होगा। अगर वो इस वीडियो को उनके कानों में पहुंचती है, उनको ये याद दिलाएगा, जी हाँ मैंने उनको ये बात कही थी। 2 बातें कही थी, एक बात कही थी वॉर मेमोरियल की, जो कि आज इंडिया गेट पे मैं देख रहा हूँ बन रहा है, और दूसरी बात जो हमने कही थी वो ये थी कि 16 दिसंबर जो विजय दिवस है उसको पैन इंडिया सेलिब्रेट करें, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को हम देश मनाता है। दुख की बात है, आज उनके 4 साल पूरे हो गए पर इस तरफ हमारा कदम नहीं उठा। मैं सब फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी जी आप अगर सुन रहे हैं मेरे वीडियो को, प्लीज़ 16 दिसंबर जो कि विजय दिवस है, देश का विजय दिवस है, आप इसको सेलिब्रेट कीजिए और किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर, क्योंकि आर्मी जो फोर्सेस है वो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है। ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये देश की जीत है। मेरा आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आप 16 दिसंबर को ज़रूर सेलिब्रेट करें पैन इंडिया। जय हिंद।